गाइस, आरपीआई डिफिशियंसी करेंटली इस वक्त वर्ल्ड की सबसे रेयरेस्ट डिजीज है, और यहाँ पे मैंने इससे पहले भी कुछ रेयरेस्ट डिजीजेस को कवर किया है, जैसे कि प्रोजीरिया हो गई और फील्ड्स डिजीज हो गई, जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे गाइस, अगर आप गूगल में करेंटली सर्च करते हैं वर्ल्ड्स रेयरेस्ट डिजीज, तो करेंटली इस वक्त टॉप पे है आरपीआई डिफिशियंसी, लेकिन इससे पहले तक प्रोजीरिया और जो फील्ड्स डिजीज है वो अभी तक टॉप पे होती थी। तो यहाँ पे आप पोजीशनिंग में चेंज आ गई है। तो गाइस, आरपीआई डिफिशियंसी में आरपीआई का फुल फॉर्म होता है राइबोस 5 फॉस्फेट आइसोमेरेज डिफिशियंसी, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है ह्यूमंस में, और अभी तक 27 इयर्स के पीरियड में आज तक केवल इसके 3 डायग्नोस पेशेंट्स मिले हैं, इसलिए ये करेंटली अभी सबसे रेयरेस्ट डिजीज है। तो गाइस, आरपीआई डिफिशियंसी के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताना चाहूंगा, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। तो गाइस, यहाँ पे 1999 में वैंडर नैप और उनके कलीग्स ने एक 14 ईयर ओल्ड बॉय का डिस्क्रिप्शन दिया, जिसमें उन्होंने डेवलपमेंटल डिले, एपिलेप्सी, साइकोमोटर रिग्रेशन, ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी और एबनॉर्मल पॉलीहेल मेटाबॉलिज्म को ऑब्जर्व किया। फिर गाइस, इसी के कुछ महीनों बाद यही सेम केस रिपोर्ट हुआ एक 18 ईयर ओल्ड मैन में विद सीजर्स, और हाल ही में इसका लेटेस्ट केस रिपोर्ट हुआ है 2018 में एक बच्चे में, जिसका नाम है स्कॉलर ब्लूक्स, जिसमें यही सेम साइंस एंड सिम्टम्स देखे गए थे। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि ये आरपीआई डिफिशियंसी कितनी ज्यादा रेयर है। फिर गाइस, अगर मैं आपको इसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करूं, तो यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें बहुत सारी चीजें हमारी केवल एजम्पशन ही है, क्योंकि इसको अभी तक अच्छे से समझा नहीं जा सका है। तो यहाँ पे गाइस, आरपीआई डिफिशियंसी के पेशेंट्स में एक बहुत ही रेयरली सीन एलीलिक कॉम्बिनेशन को ऑब्जर्व किया जाता है, जिसमें से एक एलील नॉन फंक्शनल होता है, जिसको नल एलील भी बोला जाता है, और जो दूसरा एलील होता है वो एक पार्शियली एक्टिव एंजाइम के लिए एनकोड करता है। फिर गाइस, ये जो दूसरा वाला पार्शियली फंक्शनल एलील है, जो कि पार्शियली एक्टिव एंजाइम को एनकोड कर रहा है, उसका जो एक्सप्रेशन है उसमें कमी आ जाती है, जो कि डिपेंड करता है सेल टाइप पे जिसके अंदर उसको एक्सप्रेस करना हो, जिसके चलते जो आरपीआई डिफिशियंसी से डायग्नोस जो पेशेंट्स होते हैं उनके कुछ सेल्स में तो सफिशियंट आरपीआई एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन कुछ सेल्स में नहीं किया जाता। तो ये इसका अभी तक बेसिक मैकेनिज्म समझा जा सका है, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर कॉज अभी तक क्लियरली अंडरस्टूड नहीं है। बेसिकली इसकी हम पैथोलॉजी अभी तक नहीं जानते हैं। बस यहाँ पे हमारे पास एक हाइपोथेसिस अवेलेबल है, जिसमें ये माना जाता है कि जो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे होता है उसमें म्यूटेशंस की वजह से ये जो एंजाइम है राइबोस 5 फॉस्फेट आइसोमेरेज, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो यहाँ पे आरएनए सिंथेसिस की कमी हो जाती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी मानी जाती है कि यहाँ पे डी रैबिटॉल और डी अरेबिटॉल का जो एक्युमुलेशन है वो टॉक्सिक हो सकता है, जो कि इस डेफिशिएंसी को कॉज कर रहा हो, जिसमें ये दोनों अल्कोहल्स होते हैं। फिर गाइस, इसका जो डायग्नोसिस है इसको केवल सिम्टम्स को ऑब्जर्व करके ही किया जा सकता है, जिसमें यहाँ पे साइकोमोटर रिग्रेशन, एपिलेप्सी, सीजर्स, सेरेबेलर एटैक्सिया और डेवलपमेंटल डिले जैसे सिम्टम्स को ऑब्जर्व किया जाता है इन पेशेंट्स में, प्लस साथ ही में इसका ट्रीटमेंट भी अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो गाइस, फिलहाल के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।